क्या आपको घर बैठे बैठे बिना कोई एक्सरसाइज के करना है वेट लॉस? आपको करना नहीं है कोई डाइट, तब भी चाहिए आपको एब्स और चाहिए है आपको वेट लॉस, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं। तो क्या आपने सही सुना? हाँ, आपने सही सुना, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं। तो ये वीडियो किसके लिए? ये नीचे चल के बात कर। So, hey guys, welcome to Mr. Dheer YouTube channel. तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, दैट उतने भी नहीं, 2000 क्वेश्चन आए हैं, दैट क्या हम घर पे बैठे एक्सरसाइज करते हुए होम वर्कआउट्स यूज करके और घर का डाइट, घर पे जो खाना बनता है उससे हम अपना क्या वेट लॉस कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट वेट लॉस कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, मैं आपको शो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हो चुका हूँ मोटा। मतलब मोटा सी, मैं भी इंसान हूँ, तो बुरे इफेक्ट्स थोड़े पड़े ही लॉकडाउन के एंड कोविड के वजह से, थोड़ा ज़्यादा केयरलेस हो गया एंड आई हैव गेन्ड वेट। कितना, चलिए देखते हैं। कोई धोखाधड़ी नहीं, पूरा जीरो में काटा। ओके, सो नाउ, हे गूगल, व्हाट्स द डेट टुडे? It is Tuesday, the 1st of June, 2021. Wait a minute. Cool. 82. I guess 4 kg मैंने gain कर लिया है. तो इसको तो पूरा lose करेंगे 4 kg. उससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो हम lose करेंगे. अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या फिर से आपको ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे करो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसे ऐसे करो तो वेट लॉस नहीं होगा? उससे बेटर ये चीज़ सही होगा दैट मैं अपना ही वेट लॉस कर लूँ। दो फायदे हो जाएंगे इसमें, मैं अपना भी वेट लॉस कर रहूँगा और सेम चीज़ जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहूँगा वो चीज़ मैं अपलोड कर लूँगा। जो डाइट, मैं घर का ही खाना खाऊँगा और घर में ही एक्सरसाइज करूँगा, क्या एक्सरसाइज करूँगा वो आपको ये अपलोड कर दूंगा। सो इससे क्या होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, ये अनाउंसमेंट वीडियो था, आपको मेरा वेट पता चल गया, करंट वेट क्या है, अब करंट एक्सरसाइज क्या हम करने वाले हैं ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, अभी वीडियो थोड़ा सा अलग हटके बनने वाला है, सो मज़ा आएगा अभी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।